आप सबका स्वागत है। आज हम 3 मार्च के शुरुआत में पहुंचे हैं और परमात्मा कहते हैं कि अपने तीसरे नेत्र में सदा मेरी ही छवि तुम्हें दिखाई दे। कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा की छवि मतलब परमात्मा से ही हम शांति लें, प्रेम लें, संतुष्टता, खुशी लें, पवित्रता लें और शक्ति लें और विजडम लें और आनंद लें। तो ये सारी चीजें परमात्मा से लें, लेकिन जब हमारी नजर परमात्मा की तरफ जाने की जगह हमारी नजर दुनिया में शांति ढूंढती है, दुनिया भी विजडम ढूंढती है, दुनिया में आनंद ढूंढती है, ये सारे चक्र के हिसाब से बता रहे हैं आपको, दुनिया में ही शांति, दुनिया में ही प्रेम, दुनिया वालों से ही प्रेम, दुनिया वालों दुनिया की चीजों से ही संतुष्टता, आपका आ गया चक्र नीचे आ गया और फिर पवित्रता अगर हम इस दुनिया में ही ढूंढते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति, परमात्मा की स्मृति, परमात्मा दिखते कैसे हैं, स्पार्क, लाइट, पॉइंट ऑफ डिवाइन बीइंग या ज्योतिर्बिंदु, बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भवा। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे। कहते भी है ना कि सांप की अगर मणि मिल जाए आपको तो आप सबसे दुनिया में धनी इंसान बन जाओगे। सांप क्या हुआ, ये चमड़ी भी क्या है, सांप जैसी चमड़ी जिसको कि हम बदल देते हैं, कैसे, शरीर छोड़ा मुझ आत्मा ने तो ऑटोमेटिकली ये जो है चमड़ी उतर गई, दूसरी चमड़ी मिल गई, मतलब कि दूसरी खाल मिल गई, तो ये भी सांप के जैसे है। इसलिए एडम और ईव के बीच में दिखाते हैं सांप, मतलब ये शरीर की बातें, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर आप इस मस्तक की मणि को पहचान लो, ये आत्मा ही मणि है और सांप का शरीर मतलब ये वाला शरीर चमड़ी वाला, तो अगर आपने इस मस्तक मणि को पहचान लिया, पा लिया इसको, तो आप सबसे दुनिया के धनी इंसान बन जाओगे। बचपन में ये तो बात करते थे, तो यही है वो मस्तक मणि। इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है, क्या, जिसमें कि हम परमात्मा को अपने मन की आंखों में, इन दो आंखों में नहीं, मन की आंखों में परमात्मा की छवि को याद रखें और उन्हीं से हम सारे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी और शक्ति और संतुष्टता, सब चीजों को उन्हीं से खोजें। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो कि मैं एक ऊंची स्टेज पर हूं, मुझे दुनिया की चीजों से, स्पर्श की बातों से मुझे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, संतुष्टता और ये सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं जितना जितना परमात्मा से सारी चीजें लूं तो ये सारी चीजों से मेरे, मुझे जो लेना है, देन है, ये खत्म होना शुरू हो जाएगा, तो मेरे बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं, उन्हें ये नीचे की जो बातें होती हैं, इसने मेरे से प्यार से बात नहीं करा, इसने मुझे शांति से मुझे रिप्लाई नहीं दिया, इसने मुझे संतुष्ट नहीं किया, इसने मुझे कुछ किया नहीं, इसने मुझे प्यार नहीं दिया, इसने मुझे खुशी नहीं दी, इसने मुझे आनंद नहीं दिया, इसने मुझे शक्तिशाली फील महसूस नहीं कराया इसने मुझे, तो ये सारी चीजों की हम भीख लोगों से नहीं मानते हैं, मतलब कि हम नीचे की अवस्था में नहीं आते हैं, हम इस अवस्था से ऊपर की अवस्था में चले जाते हैं। तो कुंडली जागरण में यही तो बात होती है कि अपनी जो एनर्जीज हैं, एनर्जीज को आप ऊपर की तरफ लेके चलो। तो वो कैसे होंगी, जब हमारा जो सोर्स होगा शांति का, प्रेम का, ईगो जो कहते हैं, प्राइड होती है, जो रियल प्राइड होती है, खुशी, संतुष्टता का, पवित्रता का और शक्ति का और ज्ञान का और आनंद का, ये चक्र जो है हमारे सारे, ये सब कुछ हमारा परमात्मा से ही लिंक हो, नीचे दुनिया से ना हो, तब जाके कुंडलिनी जागरण भी होता है। तो परमात्मा कहते हैं समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर हो जाते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बातें हैं, जिसमें लेन देन की बातें होती हैं, आदान प्रदान होता है, खींचाता नहीं होती, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। मस्तक मणि का है, मस्तक में मणि है, नीचे मणि नहीं है, गले में मणि नहीं बोला है, हृदय में मणि नहीं बोला है, मस्तक मणि कहा गया है। तो उसका स्थान ऊंचा है, मतलब की ऊंची स्थिति, ऊंची सोच और ऊंचते ऊंच परमात्मा, परमपिता परमात्मा जो प्रकाश है उनके साथ में, परम धाम में, यहाँ फोटो में नहीं, परम धाम में उनके साथ में हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे और उन्हीं से हम सारी इच्छाएं अपनी पूर्ति करते रहें, ताकि हमारी जो दुनियावी चीजें, दुनियावी लोगों से जो इच्छाएं हो जाती हैं, कहीं कहीं लिंक हो जाती हैं, कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, वो हमारी कम होनी शुरू हो, ताकि हमें बुरा फील होना कम हो और हमारे मस्तक में हमेशा परमात्मा का प्रकाश हो, स्थिरता हो,
अचल अडोलता हो तो ऑटोमेटिकली हमारे हॉर्मोन्स भी ठीक रहेंगे, शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, हर चीज ठीक रहेगी। यही विद्या तो सिखाई जाती है ब्रह्म कुमारी में कि कैसे आप तन मन से स्वस्थ रह सकते हैं और साथ ही साथ आप नेक काम कर सकते हैं और आप विवेकशील होकर के हर कार्य कर सकते हैं। ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी में। आप यही सीखे इस विद्या को। ओम शांति इसके साथ।